बात अब यमुनानगर की, जहां कलियासर नेशनल पार्क में पेट्रोलिंग के लिए वन विभाग को महिंद्रा थार मिली। वहीं वन और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर थार गाड़ी को रवाना किया। बता दें कि इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस वाहन से बहुत लाभ होगा। यमुनानगर में स्थित हरियाणा के सबसे बड़े वन क्षेत्र कलियासर नेशनल पार्क में पेट्रोलिंग के लिए वन विभाग को नई महिंद्रा थार मिली है। वन और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने महिंद्रा थार गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि इसके लिए हम महिंद्रा कंपनी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हरियाणा के सबसे बड़े वन क्षेत्र के लिए थार गाड़ी उपलब्ध करवाई है। निश्चित तौर पर इसका हमें लाभ मिलेगा। इसके लिए हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के का आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पेट्रोलिंग के लिए एक थार गाड़ी हमें उपलब्ध कराई है। और पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो कलियासर है। मैं समझता हूँ निश्चित तौर से इसका हमें काफ़ी लाभ मिलेगा, पेट्रोलिंग के लिए काफ़ी लाभ मिलेगा। हमने 4x4 गाड़ी है तो कुछ पहाड़ी एरिया भी है, उसमें भी इसका फायदा रहेगा। इसके लिए उनका धन्यवाद। वहीं उन्होंने बताया कि हम हथनीकुंड बैराज पर पर्यटन की दृष्टि से काफी गतिविधियां शुरू करने जा रहे हैं और कोरोना की वजह से जो जंगल सफारी बंद हो गई थी उसे भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से हथनीकुंड बैराज और कलियासर वन क्षेत्र का एरिया पर्यटकों के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज होगा, जहाँ पर पर्यटक घूम सकते हैं, बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियों का आनंद यहाँ पर लिया जा सकता है। 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हथनीकुंड पे आ रहे हैं, तो हथनीकुंड पे हमने काफ़ी गतिविधियाँ पर्यटन की हम शुरू कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम जो जंगल सफारी है उसको भी शुरू कर रहे हैं। पहले भी थी लेकिन कोरोना के दौरान बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से उसको शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक दिन का ये काफ़ी अच्छा पैकेज होगा किसी भी व्यक्ति के लिए, पूरा दिन घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह होगी, जहाँ आप पहाड़ में भी घूम सकते हैं, जहाँ आप नदियों में भी घूम सकते हैं और बोटिंग का हर चीज का आनंद ले सकते हैं। 8 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल हथनीकुंड बैराज पर पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियों की शुरुआत करेंगे। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि वन क्षेत्र को बढ़ाने और पर्यटन की दृष्टि से हरियाणा को अग्रसर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी दिशा में ये कदम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर वन विभाग और पुलिस विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।